झारखंड में कोरोना के संक्रमण के बीच लॉकडाउन 4 में दी गई कई रियायतों के बाद अब स्कूल खोलने की तैयारी कर ली गई है। राज्य सरकार ने 1 जून से राज्य के सभी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। सरकार के मुताबिक इस फैसले से कोरोना संक्रमण की वजह से बाधित हुई पढ़ाई की भरपाई भी की जाएगी। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस बारे में बताते हुए कहा कि अभी तक जो तैयारियां की गई हैं, उनके मुताबिक स्कूलों में पढ़ाई का समय 5 घंटे से बढ़ाकर 7 घंटे कर दिया गया है। साथ ही शनिवार को हाफ डे की जगह फुल डे पढ़ाई होगी। उन्होंने कहा कि भले ही 1 जून से राज्य के सभी स्कूलों को खोलने की तैयारी कर ली गई है, लेकिन कोरोना संक्रमण के परिस्थिति का आकलन करते हुए अंतिम निर्णय 31 को ही लिया जाएगा। हम लोग की घोषणा 1 तारीख से हम लोग खोलेंगे, लेकिन जो स्थिति है देश और राज्य का, उसको मद्देनजर देखते हुए 31 तारीख के बाद हम लोग फैसला लेंगे। और जो हमारे इस कोरोना वायरस के चलते पढ़ाई बाधित हुआ है, उसको हम लोग, आपका जो समय हम लोग का था 5 घंटा, उसको 7 घंटा किए हैं। जो हमारे शनिवार को हाफ डे था, उसको फुल डे किए हैं। जो पढ़ाई बाधित हुआ, उसको मेकअप करेंगे। मतलब 1 जून के बाद आप लोग खोलने का निर्णय ले सकते हैं? लिए हुए हैं, लेकिन 31 तारीख को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए। सिचुएशन यदि बाय दिवे कोई घटना घट जाए, आप ही हमको मत नहीं कहिएगा, आप ही एकदम इतना क्यों खोला गया, यदि सिचुएशन के अनुसार वैसी तय हम लोग 1 तारीख का है, एक जून स्कूल खोलने का तय है, लेकिन सिचुएशन के आधार पर, सिचुएशन जिस तरह होगा उसके आधार पर निर्णय विभाग लेगा। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण छात्रों को बहुत नुकसान हुआ है। कई बच्चों की परीक्षा खत्म नहीं हुई थी, कई के शैक्षणिक सत्र, कई प्रयासों के बाद ऑनलाइन क्लासेस तो शुरू हुई, लेकिन पढ़ाई अब भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। ऐसे में झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया है। अब 31 मई का इंतजार है। अब ये उस दिन ही साफ हो पाएगा कि क्या बच्चे स्कूल जाएंगे या नहीं, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने से संक्रमण के फैलने की ज्यादा संभावना है। और अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल और प्रशासन ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा इस विषय में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। रांची से मृत्युंजय श्रीवास्तव, बिहार तक।